हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए संडे क्यू एन ए सेशन में। और भाई साहब, आज भी इतने सारे सवाल चिपका दिए हैं आपने। कुछ सवाल तो एसओएससी से रिलेटेड हैं, कुछ सवाल कंपार्टमेंट री एग्ज़ाम को लेकर के है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कुछ सवाल फेल होने के बाद बच्चे जानना चाह रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्या वो NIVS में जाएँ या वो रिपीट करें। कुछ नए सेशन को लेकर के भी बच्चों के सवाल हैं। कुछ बच्चे बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ के बारे में जानना चाह रहे हैं, 11th क्लास में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो सभी सवालों की जवाब हम बारी बारी से देंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना, करके ही जाना। अगर नहीं करोगे तो इसमें तेरा घाटा। भाई सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी और इस तरह से Q&A तो हमारा चलता ही रहेगा। हाँ, शाम को हम लाइव भी आएंगे, तो लाइव भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल सीमा सर, इस बार 9th क्लास में NCERT चेंज हुआ है क्या? इसी तरह का रंगीला कुमार का भी सेम सवाल है सर, क्लास 12th का NCERT बुक्स चेंज हुआ है या नहीं? पहले वाला ही है, बता दीजिए प्लीज। पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान वाली सीमा नहीं, अपनी इंडिया वाली है। और जो ये रंगीला जी है, नहीं श्याम रंगीला नहीं है, सवाल जानना चाह रहे हैं कि जो NCERT है क्या वो नए सेशन में चेंज हुआ या पुराना। तो देखिए, चाहे कोई भी पैटर्न आए, CBSE जो है हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज कर ही देता है, थोड़े बहुत इधर उधर कर देता है। हालांकि बुक्स कोई चेंज नहीं हुई है, वो पुरानी वाली बुक्स ही है। अगर आप रिपीट सेकेंड हैंड लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, क्योंकि कोई चैप्टर इधर होता है, कोई चैप्टर हटा दिया जाता है, कोई चैप्टर ऐड कर दिया जाता है, लेकिन बुक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन CBSE ने नए सेशन का सिलेबस भी जारी कर दिया है। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले सिलेबस को देख लें ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए कि आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और आपको कौन सी बुक लेनी है। बाकी आप बुक तो ले लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला सवाल शीला सर, मैं इस बार क्लास 11th में गई हूँ, मैं 10th में बेसिक मैथ लिया था, अब 11th में कॉमर्स प्लस अप्लाइड मैथ लूँगी, तो क्या मेरा कॉमर्स विद मैथ कहलाएगा? प्लीज़ सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखो भाई, प्लीज़ करो, आपके आंसर तो हमें देने ही हैं, चाहे आप धमकी दो, डराओ प्यार से, है ना। हाँ, लाइक ज़रूर कर लेना वीडियो को और शेयरिंग भी अपने दोस्तों को कर लेना। शीला जी जो है वो 10th में है अभी, मतलब 10th इनका पूरा हो गया है और ये 11th में जाएंगे। मेरे ख्याल से भी रिजल्ट तो आया नहीं, 10th का रिजल्ट आएगा लगभग आपका मई बीच में या एंड में। तो इन्होंने बेसिक मैथ लिया है। जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं और वो भी 9th में हैं या 10th में हैं, तो आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप मैथ में ठीक ठाक हैं, बहुत बढ़िया हैं, तब तो आप स्टैंडर्ड मैथ ही लें। अगर आप नॉर्मल भी हैं तब भी आप स्टैंडर्ड मैथ ही लें। अगर आपको मैथ से बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा डर लगता, उस कंडीशन में आप बेसिक मैथ लें। क्योंकि ये जो शीला जी हैं, ये 11th में कॉमर्स मैथ के साथ लेना चाह रही है, बट इनको मिलेगा नहीं, बिकॉज इनके पास बेसिक मैथ था। और जब आपके पास बेसिक मैथ होता है तो आपको बस 11th में मैथ आप ले ही नहीं सकते, है ना। साइंस तो किसी कंडीशन में नहीं मिलेगा। अगर आप कॉमर्स लेंगे तो विदाउट मैथ ले सकते हैं, अगर आप आर्ट्स लेंगे तो उसमें मैथ नहीं मिल पाएगा आपको, विदाउट मैथ ले सकते हैं। तो यार, अगर आपको विद मैथ आर्ट्स लेना है, विद मैथ आपको साइंस लेनी है, विद मैथ आपको कॉमर्स लेना है, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ ही लेना चाहिए। ये मेरा आपको सजेशन है। बाकी स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ का कंप्लीट अंतर एक वीडियो डाला है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी, सारे लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगला सवाल ऑल इन वन सर, मैं एक्सलेंस स्कूल के एग्जाम के मार्क्स पता करने हैं, कैसे पता कर सकते हैं स्टेम और ह्यूमैनिटीज का? मतलब रिजल्ट तो आ गया है SSC का, है ना, अभी सिर्फ आर्म फोर्स का बचा है, वो भी 1-4 दिन में आ जाएगा। सवाल इनका ये है कि भाई मार्क्स कैसे पता करें, क्योंकि SSC मार्क्स तो देता नहीं है, लेकिन हाँ SSC कट ऑफ मार्क्स जारी करता है, बट बच्चों के इंडिविजुअल मार्क्स पता नहीं करता है। देखिए, एक सजेशन मैं आपको दूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया आपने बहुत बढ़िया पेपर दिया, सबसे पहले तो कमेंट कर लीजिए कि कितने बच्चों को लगता है कि उन्होंने पेपर बहुत बढ़िया दिया है, ठीक है। अब अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा बच्चों की डिमांड रहेगी कि मार्क्स पता करने का तरीका बताइए, तो मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ही उस पर सेपरेट वीडियो मैं लेकर के आ जाऊँगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वो वीडियो, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा। अगला सवाल है सौरभ, अबाउट SSC एकेडमिक रिजल्ट। अच्छा, SSC एकेडमिक रिजल्ट, मतलब जो बच्चे SSC 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे थे, तो उनका रिजल्ट कब आएगा? देखिए, 9th और 11th वालों का तो आ जाएगा लगभग April 1st week में, मतलब लगभग 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल में आ जाएगा, लेकिन 7 अप्रैल से पहले 9th और 11th का रिजल्ट आ जाएगा। रही बात 10th और 12th की, तो SSC 10th और 12th जैसे बोर्ड का रिजल्ट है वैसे ही आता है, लेकिन बोर्ड से पहले आ जाता है। तो यहाँ तक मान के चले कि मई स्टार्टिंग में आपको या अप्रैल एंड में SSC 10th और 12th का रिजल्ट भी आ जाएगा। 10th का रिजल्ट आने के बाद ही आपको क्लियर होगा कि सीटें कितनी हैं 11th क्लास में। अगला सवाल सलीम खान
सर, जब हमारा SOSC का रिजल्ट आ जाएगा तो हमें डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कहाँ बुलाया जाएगा? क्या वही स्कूल रहेगा या बाद में पता चलेगा कि हमारा स्कूल कौन सा है? SOSC का रिजल्ट जब आ जाएगा, नहीं बल्कि SOSC का रिजल्ट आ चुका है, आप जाकर के देख लीजिए। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला है, आप उस वीडियो से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक सेंटर आपको दिया होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये भी हो सकता है जिस स्कूल में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है वही वाला स्कूल आपको मिल जाएगा। बट कई बच्चों को डायरेक्ट DVSC भी बुलाया जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि DVSC ही आप पढ़ेंगे। DVSC बोर्ड सेंटर है, मतलब हेड ऑफिस है, तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सा अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि स्कूल कौन सा मिलेगा। बट 80-90% जहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया गया है वो आपके नियर बाई ही होता है, जिसमें आपने चूज़ किया है, जो खुद आपने 3 प्रेफरेंस भरे होंगे उन्हीं में से एक होगा। और नहीं होगा तो चेंज करने का ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा कि आपको SOSC स्कूल चेंज कैसे करना है। अगला सवाल, एजुकेशनल विद टेक्निकल, सर CBSE क्लास 12th का पास पॉलिसी क्या है और एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर ऐड होता है क्या? अगर किसी एक सब्जेक्ट में क्लास 12th में फेल हो जाते हैं तो क्या एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर ऐड होकर पास हो जाते हैं? सर CBSE बोर्ड में क्लास 12th के कितने सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलता है? पूरी डिटेल पर वीडियो बना दीजिए सर प्लीज़। भाई आपका डाउट तो बहुत बड़ा है, डिटेल में वीडियो बना सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो 10th और 12th है ना, तो CBSE पर कोई ग्रेस मार्क्स नहीं देता है, ठीक है। 12th में क्या होता है कि आपको सेपरेट पास होना पड़ता है, इंटरनल और प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा, एंड जो आपका 80 और 70 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें भी पास होना आपको कंपलसरी रहता है। जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं ना, इसके मार्क्स आपके मेन सब्जेक्ट में जुड़ते नहीं हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना ही होना पड़ेगा। ये 9th में और 11th में थोड़ा बहुत रहता है कि अगर एडिशनल में आप रह गए तो माना जाता है, बट हाँ एडिशनल में आपको थोड़ा बहुत मतलब धक्का लग जाता है, बट ऐसा नहीं कि एडिशनल के मार्क्स आपको मेन सब्जेक्ट में ऐसे आपको नहीं होता है, मेन सब्जेक्ट आपको पास करने ही पड़ते हैं। अगला सवाल है देव, सर जी बच्चे की पोजीशन आती है तो क्या उसे गिफ्ट मिलते हैं या अच्छा, किसी सब्जेक्ट टॉपर को गिफ्ट मिलता है? प्लीज़ पिक अप माई कमेंट, माई नेम इज़ देव। ओके भाई साहब, आपको क्या चाहिए? गिफ्ट चाहिए? तो यार मैं तो चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल से प्रॉपर स्टडी पढ़ाई करते हैं और अगर आपकी हिंदी में 95 अब मार्क्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम से रखूँगा, जितने बच्चे हमारे चैनल से हिंदी पढ़ते हैं एंड 95 अब जिन जिन के मार्क्स आते हैं उनके लिए मैं तो स्पेशल प्राइज रखूँगा, है ना, चाहे वो छोटा सा रहे, लेकिन अच्छा लगता है, प्राइज तो प्राइज होता है। जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, मतलब टॉपर होते हैं, उनको एनुअल फंक्शन पर प्राइज़ मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी मैं तो क्या करता हूँ, अपनी क्लास में बच्चों को मैं प्राइज़ भी देता हूँ, मतलब मेरी क्लास में तो बच्चों को मिलता ही है जो बच्चे अच्छे टॉपर होते हैं। बाकी हर टीचर्स का अपना अपना है, आपके टीचर्स क्या करते हैं आपके अच्छे नंबर आने पर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लेकिन मैं क्या करता हूँ हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला सवाल है दीपांशु रावत, सर क्या क्लास 9th के मार्कशीट में मिड टर्म के मार्क्स जुड़े हैं और अगर जुड़े हैं तो कहाँ मार्कशीट में कहाँ मेंशन है और प्लीज़ आंसर मी। ओके रावत जी, भाई अपने उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड वालों का तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ऐसा नहीं है, हमारे तो सब बराबर हैं, पर थोड़ा सा अपने पहाड़ के लोग आते हैं तो थोड़ा सा ठंडापन सा महसूस होता है। सवाल इनका है कि जो मार्कशीट में मिड टर्म के मार्क्स कहाँ जुड़े हैं, तो देखिए मिड टर्म के मार्क्स जुड़ते हैं, है ना, जो 20% मार्क्स है ना वो जुड़ते हैं। अब कहाँ जुड़े हैं तो आपको देखना नहीं आ रहा, जो आपके थ्योरी वाले मार्क्स है ना उसी में इंक्लूड हैं वो आपके मिड टर्म वाले मार्क्स। अब मैं प्रैक्टिकली एक, अगर आप ज़्यादा बच्चे कमेंट्स करें कि भाई कैसे और कैसे लगेगा पता कि आपको मिड टर्म के मार्क्स जुड़े हैं और कहाँ जुड़े हैं, तो भाई कमेंट कर दो फटाफट से, मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊँगा जिसमें मार्कशीट को प्रॉपर मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से मार्क्स वहाँ पर ऐड हुए हैं। अगला सवाल, सौरभ सर अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आई है तो उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं और उसका पेपर क्या हार्ड आता है सर, प्लीज़ रिप्लाई मी। भाई पेपर हार्ड और इजी तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, जिस बच्चे ने साल भर इंस्टाग्राम चलाया हो, साल भर क्लास बंक किया हो, साल भर बच्चे ने खूब मस्ती हुड़दंग मचाया हो, उस बच्चे के लिए पेपर ने आसान आना ही आना है, और वो बच्चा कभी कंपार्टमेंट आ ही नहीं सकता। भाई उल्टा बोल रहा हूँ मैं, अगर आप सारा दिन सोशल मीडिया पे लगे रहोगे तो कैसे पास होंगे? और आपको मैं बुक भी दे दूंगा ना, मुझे नहीं लगता कि बुक से देखकर भी ऐसे बच्चे कर पाएंगे। पेपर नॉर्मल ही होता है उन बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं, जो समझ रखते हैं, और आज का टाइम तो ऐसा आ गया कि पेपर इतना आसान कि अगर कोई बच्चा लास्ट एक महीना भी सीरियसली पढ़ लेना तो वो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। अब इनका सवाल ये है कि नहीं ये नहीं है,
पेपर हार्ड आता है तो पेपर जो है ना वो आसान ही होता है। एक और सवाल था इनका कि क्या था, कितने नंबर चाहिए। कंपार्टमेंट में आपको हार्ड, हाँ हार्ड इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर कोई 20% का 25% का नहीं होता, यहाँ पर आपको 33% मार्क्स लाना ही लाना पड़ता है। आगे कुछ ऐसे सवाल और भी हैं। अब्दुल सर, कंपार्टमेंट वाले बच्चे स्कूल कब जाएंगे? कंपार्टमेंट वाले बच्चे स्कूल कब जाएंगे, तो भाई वो तो आपके स्कूल पे ऊपर डिपेंड करता है, आपका स्कूल किस तरह से मैनेजमेंट करता है आपका। लेकिन मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नॉट फॉर डिपार्टमेंटल और नॉट फ्रॉम डिपार्टमेंट। जो कंपार्टमेंट अगर आपकी आई है तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप घर में और बढ़िया पढ़ाई करें, क्योंकि स्कूल जाएंगे हो सकता है स्कूल में शोर शराबा होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको टाइम नहीं मिल रहा होगा। आप अपने घर पे तैयारी करें, बढ़िया तैयारी करें, और डाउट्स जो अगर आपके निकल रहे ना उन डाउट्स को लेकर के अपने स्कूल में अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर लें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या करना चाह रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप हमारे वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं और आप कौन सी क्लास में एट प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। अगला सवाल है सावियनु खातून सर, जिनका एसओसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करें? भाई एसओसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बहुत बड़ी मतलब महान ये तो है नहीं, भाई खुदा की तोफ है कि एसओसी में ही पढ़ना है या एसओसी में ही करियर है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आप जो है नॉर्मल पढ़ाई कर लीजिए और अभी वेट कर लो, क्या पता आपका सेकेंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए, है ना। तो अभी भाई होप रखो, और नहीं भी होगा तो बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से। भारती कुमारी सर, एसएमसी क्या है और सीयूटी क्या है, सॉरी एसओएससी क्या है और सीयूटी क्या है? तो भाई भारती जी जानना चाह रही है एसओएससी क्या, तो मुझे नहीं लगता कि भारती हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ी है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से और 2-3 साल से लगातार मैं इनके कमेंट्स पढ़ता आया हूँ। तो एसओएससी तो एक ऐसा नया स्कूल है दिल्ली गवर्नमेंट का जिसमें बच्चों की बढ़िया मतलब ज़बरदस्त पढ़ाई होती है और प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहे हैं एसओएससी। दूसरा है सीयूटी, तो सीयूटी होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब ये 12th के बाद होता है और 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको ये टेस्ट देना पड़ता है। इन्हीं का दूसरा सवाल है सर, आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जॉब्स भाई बतेरी हैं, इतने सारे जॉब्स हैं आर्ट्स स्ट्रीम में, और सबसे ज़्यादा आईएएस अगर बनते हैं तो आर्ट्स लेकर के ही बनते हैं, है ना, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। सबसे ज़्यादा जॉब्स अगर मैं बात करूँ तो होता है साइंस में, साइंस से दुगने जॉब्स होते हैं कॉमर्स में, और कॉमर्स से दुगने जॉब होते हैं आर्ट्स में। तो ये तो लोगों की सोच है कि भाई आर्ट्स लेकर के कुछ नहीं बन सकते, एक्चुअली आर्ट्स आप मान के चलिए 100% है, कॉमर्स मान के चलिए 50% है, और साइंस मान के चलिए 25% है ना। तो वो तो लोग दौड़ रहे हैं अंधी दौड़ में कि साइंस लो, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको साइंस फील्ड, आर्ट्स फील्ड और कॉमर्स फील्ड तीनों के सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है किस फील्ड में क्या क्या जॉब है, तो आप जाइए और तीनों वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट कर लीजिए। अगला सवाल है टुनटुन रावत सर, अगर कोई क्लास 11th में फेल हो गया है तो क्लास 12th में NIOS करना सही होगा? सब बोलते हैं कि NIOS की वैल्यू नहीं होती है, सर आपका इस बारे में क्या विचार है? पहली बात तो ये है कि मैं आपका जो विचार है ना, जो उसे बदलना चाहता हूँ। सब बोलते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कुछ सही है। सबसे पहली बात तो ये कि आप किसी एक इंसान पे भरोसा करो और उसने क्या बोला है आप उसे समझो, ठीक है, और उसके बाद आपका दिल क्या कहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि CBSE बहुत बढ़िया बोर्ड है, लेकिन CBSE से पास होने के बाद भी लोग हवा कर रहे हैं और उस हवा भी नहीं आएगी उससे, मतलब बोर्ड की वैल्यू नहीं है आज, इंसान की वैल्यू है, इंसान के नॉलेज की वैल्यू है। तो चाहे NIOS से कर लो, NIOS हो चाहे SOSE हो चाहे CBSE हो ICSE हो, ये सारे एक बोर्ड हैं, जरिया है पार जाने के लिए। तो आप किस तरीके से पार जा रहे भाई, बाइक भी सही है, साइकिल भी सही है, पैदल भी सही है, गाड़ी भी सही है, सब सही है, मकसद क्या है आपको पार जाना है। अब पार कैसे जा पाएंगे वो आपको डिपेंड करता है। NIOS भी क्या है, वहाँ पर आपको थोड़ा इजी हो जाता है पास होना, जो बच्चे 11th में पास नहीं हो पाते क्योंकि 11th में आपको सारे टफ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, इसी तरह से 9th में भी होता है, 9th में भी टफ सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन NIOS में क्या होता है, न मैथ होती है न साइंस होती है, लेकिन आप जो है 9th और 11th पास कर जाते हो। तो फिलहाल अगर आप पास नहीं हो पा रहे हो, आपको रेगुलर 11th या 9th टफ लग रहा है, तो आप NIOS से 11th और 9th पास करके और रेगुलर अपने स्कूल में वापस आ सकते हैं। अगला सवाल संदीप सर, मैं 11th में हूँ, कॉमर्स में फेल हो गया तो क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आया दो सब्जेक्ट में। भाई आप कॉमर्स में फेल हो गए हैं तो यार ये तो मुझे भी समझ नहीं आया, मैं आपको क्या बोलूँ।
अब अगर आप फेल हो गए हैं तो अब कुछ मत सोचिए, आप दोबारा से रिस्टार्ट कीजिए अपने आप को। बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, फेल भी होना कई बार कहते कि ज़रूरी होता है, एक झटका लगता है हमें, और कई बार ठोकर लगकर जो इंसान है ना वो और स्पीड में चलता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप फेल होने के बाद नेगेटिव हो गए, भाई मुझे नहीं पढ़ना, मेरी बस की नहीं है, टीचर्स भी बेकार हैं, स्कूल भी बेकार है, दोस्त भी बेकार हैं, पढ़ाई भी बेकार है, तो फिर आपकी लाइफ झंड है। अगर आप कहोगे कि भाई मैं फेल हो गया हूँ, माय गॉड मैं फेल हो गया हूँ, मैं कहाँ फेल रहा, मैं क्यों फेल हुआ, अब मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। और हमने ऐसे भी बच्चे देखे जो पहले तो कंपार्टमेंट आया था वो फेल हो गए थे, और नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने तैयारी करी ना तो उनके ज़बरदस्त मार्क्स आए। तो यार वो आप अच्छी तैयारी करोगे तो रिस्टार्ट कीजिए, अदरवाइज NIVS है और दूसरे ओपन बोर्ड से भी आप अपना कर सकते हैं। अगला सवाल है फेलियर। सर जो बच्चे 11th में फेल हैं वह स्कूल कब जाएंगे, और जिस स्कूल से वह फेल हुआ है क्या वह उन्हें दोबारा उसी स्कूल में पढ़ने देंगे? तो यार ये तो एक सिस्टम है, अगर आप एक या दो साल में फेल हो रहे हो, मतलब आप लगातार दो साल फेल हो गए, तो आप उस स्कूल में रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का ऑर्डर है कि एक ही क्लास में बच्चा दो बार फेल हो गया तो उसे सीधा या तो NIVS में करवाइए या बच्चा ओपन से कर लेगा। अगर एक साल ही आप फेल हुए हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप NIVS में जा भी सकते हैं, आप रेगुलर भी कर सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है ना। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहे, बस वो टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास करने के लिए एक साल और बर्बाद करोगे आप, लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं और अच्छे से रिस्टार्ट अपने आप को करना चाह रहे हैं तो आप आराम से कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए और आपकी नैया पार हो जाएगी। अगला सवाल क्या है? फैक्ट सर, क्लास 11th के कंपार्टमेंट के एग्जाम में प्रमोट होते हैं, क्या जैसे SC में से 20 आ जाएँ बाकी ग्रेस मार्क्स लग जाएंगे? चाहे 11th हो या 9th हो या 8वीं हो या 5वीं हो, ये सवाल तो काफ़ी सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि एक तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम का जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है रिटेस्ट का, वो सारा सिलेबस आएगा आपका, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम में आपको पूछा गया था सेम सिलेबस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अब यहाँ पर आपको जो पास फेल वाला सिस्टम वो चेंज हो जाता है, जो टफ़ वाला है ना वो यहीं पर आपको टफ़ लगता है, क्योंकि जो आपके एनुअल एग्ज़ाम था वहाँ पर तो आपको ये था कि 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है, मतलब 80 में से आपको 20 नंबर लाने थे जैसे इन्होंने पूछा है। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको 80 में से 25 नहीं बल्कि 33 लाना पड़ेगा, और 33% लाने के लिए आपको 80 में से 27 नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा। अगर आपके 26 आ गए, 25 आ गए, 24 आ गए तो आप पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, है ना। अब आपके मिड टर्म वाले मार्क्स नहीं लगेंगे, अब आपके सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर लगेंगे जो भी आपकी क्लास वाइज है, और ग्रेस मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा। तो भाई आप टफ इसलिए होने वाला है क्योंकि आपको एक तो पूरे 33 मार्क्स लाने हैं आपको परसेंट एनुअल एग्ज़ाम में, और ग्रेस मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट ऑप्शन है आपके लिए, लास्ट चांस है, लग जाइए, जोर लगा दीजिए, सारी मस्ती, सारा घूमना फिरना, हुड़दंगबाजी सब छोड़ कर के डट जाइए अपने उस कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए जिस सब्जेक्ट में आपका एग्ज़ाम कंपार्टमेंट आया है। बाकी कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिए कि आपके किन किन सब्जेक्ट में, कौन कौन से क्लास में कंपार्टमेंट आया है। तो ये थे वो सवाल जो आपके मन में चल रहे थे, आपने हम तक शेयर किए और हमने कोशिश की है आपके सवालों का रिप्लाई करने की। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सॉल्यूशन भी मिला होगा। आप हमारे चैनल पे इवनिंग में लाइव भी आ सकते हैं, और इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपके सारे डाउट क्लियर होते रहें। और यस, नई वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।